ये सेक्सी लिबास पहने 38 साल खातून नौजवानों से भरे कॉलेज में पहुंची। इसका सेक्सी और शहवत अंगेज जिस्म फौरी तौर पर बहुत से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेता है। वो अपने 19 साल बुवाए फरीनट के जाने का इंतजार करने इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। क्लास बेल्तजा ने अपनी गर्ल फरीनट को इस लिबास में देखा, फासले से इसकी आंखें फैल गई और वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, ना जाने क्या करे। एलिस ने इसे आरट शो में अपने साथ शामिल होने की दावत दी। इसने पुरजोश अंदाज में हिकलाया और कहा, मैं कभी जा सकता हूँ। एलिस को अलविदा कहने के बाद बालतजार खुशी से मुस्कुराया। एलिस एक फैशन मैगजीन की एडिटर हैं। वो प्रोडक्शन की निगरानी के लिए एक गैर मुल्की प्रिंटिंग हाउस के कारोबारी दौरे पर थी, लेकिन वापस फ्लाइट में एक शख्स ने इसे हरासा किया। नाराज होकर वो इस नौजवान को घसीट कर ले गई, जो अभी अभी अंदर आया था और बैठ गया। इस शख्स का नाम बालतजार था, जो फन तमीर का तालिब इल्म था। ये इसकी पहली बार फर्स्ट क्लास परवाज थी, इसलिए वो खासे पुरजोश थे। वो फ्लैट सीट के साथ खेलकर लुत्फानंदोज हो रहा है। हवाई जहाज उतरता है। दोनों आदमी मुख्तसर तौर पर नामों का तबादला करते हैं। अचानक बालतजार ने जमीन पर एक फ्लैश ड्राइव को देखा। इसने इसे उठाया और एलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही जहाज से उतर चुकी थी। एलिस अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। बालतजार इससे बात ना कर सका। एलिस काम पर वापस आती है और सुनता है कि लीज इसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। वो इस पर बात करने के लिए अपने बॉस के पास गई, लेकिन इसने इसे बताया लीज ज्यादा बेसाफ्ता थी और इसे रोका नहीं जा सकता था। लीज ने 8 बार शादी की है और इसके 5 मर्द और 3 खवातीन शौहर है, और अब वो दोबारा सिंगल है। आपको 8 साल से तलाक हो चुकी है और अब आप हैं काम के अलावा हर चीज से लातअल्लुक। आपने जिंदगी का जोश खो दिया है, लिहाजा आप अपने सारिफीन के पसंद करदा मवाद में तरमीम नहीं कर सकते। एलिस इस मकाम पर पहले ही काफी परेशान है, लेकिन फिर इसे फ्लैश ड्राइव नहीं मिल सकी। वो अपने असिस्टेंट की तरफ से छोड़े गए एक नोट को देखता है और समझता है कि बालतजार को इसकी फ्लैश ड्राइव मिल गई है। वो फोन करने और पूछने के लिए भागी कि बलतजार डिस्को में कहाँ है। इसने फोन पर एलिस की आवाज सुनी और बल्ला वजह घबरा गया। एलिस के पहुंचने के थोड़ी देर बाद बालतजार दूर से इसकी तरफ लहराता है। जब एलिस को पता चला कि इसके पास इस वक्त फ्लैश ड्राइव नहीं है, इसने इसे जल्द अज जल्द फ्लैश ड्राइव लाने को कहा। बलतजार को इसे घर ले जाना पड़ा। वो बालतजार के गुलाबी स्कूटर पर पहुंचे। इसने मेहरबानी से इसका हेलमेट पहनने में मदद कि एलिस के साथी ने ये मंजर देखा। दोनों गपशप ने प्यारे मंजर की तस्वीर खींची। मर्दों की तलाश के बाद एलिस को बगैर किसी परेशानी के फ्लैश ड्राइव मिल जाती है। जब वो चली गई तो बलतजार इसके पीछे हो लिया। इसने घबरा कर इससे कहा कि वो इससे काफी पी ले। एलिस ने देखा कि वो क्या सोच रही है। इसने कहा, तुम बहुत छोटे हो और हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, तो इसने इसे ठुकरा दिया। अगले दिन एलिस दफ्तर आई और अपने साथी कारकुनों के अजीब वाव गरीब चेहरे देखे। आखिरकार इसे अपने असिस्टेंट से पता चला कि ये तस्वीरें कल रात की हैं। सबने इसे देखा, लेकिन ये इसके लिए बहुत खुशगवार चीज है। बास ने सोचा कि ये अच्छा है कि एलिस मोहब्बत में थी आपसे 20 साल छोटे के साथ। एलिस इसके दोस्तों की तरफ से हौसला अफजाई रखने के लिए बेल्तजा के साथ मुंसलिक करने का फैसला इसकी नौकरी, लिहाजा वो अपने मामूल के कदामत पसंद लिबास से बदल जाती है। वो सेक्सी लिबास पहने स्कूल आती है और बलतजार से कहती है कि वो आज रात इसके साथ एक शो में जाए। औरत आधी रात को जागती है और दरवाजा खोलती है। आदमी दरवाजे के बाहर बोलता है, इसने औरत को बानहू में लिया और अंदर चला गया। घर की औरत नहीं कहती। बरसों तक सिंगल रहने के बाद वो इस आदमी को सीधा सोने के कमरे में ले गई। इनके शोर ने नीचे पड़ोसियों को चौंका दिया, जो अपने कुत्तों को चल रहे थे। एलिस अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए बालतजार को आरट शो में मधु करने की पेशकश करती है। बालतजार एक खूबसूरत सिया लिबास में एलिस की खूबसूरती से बेआवाज है। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन इसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। सबके बाद किया नौजवान लड़का एक बालिग से मोहब्बत नहीं करता, और पुरकशिश औरत एलिस ने मेहरबानी से इसके कपड़ों में मदद की। ये एक आम जोड़े का रवैया लगता है, लेकिन वो जानती थी कि वो अदाकारी कर रही है। इसने बालतजार को खुद से इतना लुत्फानंदोज होते देखा कि एलिस शर्मिंदा हो गई। एलिस एक बालिग की मुनाफकत के साथ मुंतजिम को इसकी फनकाराना महारत पर मुबारकबाद पेश करती है। शराब पीकर वापस आने वाले बलतजार ने कहा कि मुंतजिमीन का कोई मतलब नहीं है।
एलिस कुछ भी पसंद करते हुए अजीब वाव गरीबपन को छुपाने के लिए हंस पड़ी। शो के बाद बालथाजार ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी छतरी ली और इसके पीछे चल दिया। जब एलिस ने फोन का जवाब दिया तो इसने जानबूझकर इससे फासला रखा। एलिस ने झूठ बोला कि इसकी बेटी अस्पताल में है, तो बालथाजार ने फौरन एक कार को रोककर एलिस को जाने दिया। बालथाजार को इस मुसाफिर को छतरी देना थी जिससे वो अभी गाड़ी से बाहर निकला था। इस दिन एलिस बालथाजार को कंपनी के रनवे शो में ले गई। इसने इस मौका को बहुत संजीदगी से लिया क्योंकि इस ग्रुप के चेयरमैन भी थे, वहाँ घूमने गए थे। लेकिन शो के दौरान एक हादसा पेश आया, इनमें से एक मॉडल हादसाती तौर पर गिर गया। बालथाजार सीधा रनवे की तरफ भागा और इसकी मदद की। सदर, जो हर तरह के रिवायती रनवे शो देखने के आदि थे, ने सोचा ये एक खास वाकया था जिसे एलिस ने जानबूझकर तरतीब दिया था। एलिस बास के सामने शो जारी रखना चाहती थी। वो बालथाजार को कंपनी में खुश आमदीद कहता है कश पर ले गए। इसने देख डर था कि अगर इसका पर्दाफाश हो गया तो इसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। एलिस तेजी से बालथाजार को डांस फ्लोर पर घसीटती है, एक मुबाशरत रकस माहौल को गर्मा देता है। जब मोहब्बत ज़दा बालथाजार एलिस को घर ले जाता है, वो ऊपर जाकर अपनी गुलाबी बाइक पर बैठना चाहता था। एलिस देखती है कि वो क्या सोच रहा है और इसे मुस्तरद कर देता है। लेकिन जब वो मोहब्बत में था तो वो कैसे हार मान सकता था। इसने एलिस के दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत पैदा की। एलिस ने एहतियात से दरवाजा खोला। बालथाजार दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब इसे मालूम हुआ कि एलिस घर में अकेली है तो वो फौरन इसे गले लगा लेता है। वो एक साथ रात गुजारने के बाद वाजे तौर पर मुतमइन थे। ये हैरत अंगेज है कि एक 40 साल औरत किस तरह एक लड़के से प्यार कर सकती है। इसके पास हमेशा तारीफ पर आपको हैरान करने का एक तरीका होता है। बालथाजार ने दरख्त पर एक पैगाम पोस्ट किया जिसमें एलिस से तीर को सीट तक जाने को कहा और सीट बेंच के नीचे फुंसी हुई MP3 उठाई और फिर वो अपने छोटे गुलाबी लिबास में इसके पास गया। मोटरसाइकिल इसने एलिस को बे मकसद शहर के गर्द घुमा दिया। ये एक गरीब लड़के का रोमांस है। एलिस ने बहुत सारे फैंसी रेस्तरां देखे थे और माजी में गुलाब, लेकिन इस बार इसे मासूमियत और सादगी पसंद आई। एलिस अपनी मुलाजमत को बरकरार रखने में कामयाब रही जैसा कि इसने उम्मीद की थी। वो ये भी सोच रही थी कि क्या इसे इस झूठे रिश्ते को जारी रखना चाहिए। इस दिन बालथाजार ने एक तारीफ तैयार की थी। इसने पुरजोश अंदाज में मुस्तकबिल के लिए अपनी उम्मीद का इजहार किया। ताहम एलिस ने फौरन अपने जहन की बात की। इसने कहा, जब मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो तुम अभी जवान हो, ये मत सोचें कि हम खुश रहेंगे। मेरी 8 साल की बेटी है, यही वजह है कि मेरे पास सिर्फ वीकेंड्स है ताकि हम इस वक्त से लुत्फानंदोज हूँ जो हम एक साथ गुजारते हैं। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से आप अपनी जवानी से हाथ धो बैठें। बालथाजार ये सुनकर हैरान हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था कि समझदार खातून को कैसे रखना है। वो टूट गए। बालथाजार मायूस और मायूस होकर घर लौटता है। इसने पूरा दिन बाहर कदम नहीं रखा और खुद को घर में ही रखा। ताहम ब्रेकअप एलिस के बास की तरफ से दुरुस्त किया गया था। जब इसने काम का मुआयना किया तो वो बहुत परेशान थी। वो आखिरी बार रनवे पर चलने वाले नौजवान मर्द मॉडल की तरफ मुतवज्जे हो गई। एलिस के बास को नहीं मालूम कि इसका और बालथाजार का रिश्ता टूट गया है, तो वो एलिस को बरतरफ करने की धमकी देता है और इससे कहता है कि वो काम को बरकरार रखे। एलिस खुद बालथाजार आई। इसने सोचा कि एलिस इसके साथ वापस जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब इसे एलिस के हतमी मकसद का इल्म हुआ तो वो गुस्से से मुड़कर कहता है, मुझे मालूम है। एलिस शॉटिंग के अगले दिन बालथाजार का इंतजार नहीं कर सकती थी। इसने अपने फोन का जवाब नहीं दिया। जब इसे मालूम हुआ कि बालथाजार वहाँ नहीं होगा तो वो अपने बास को इत्तला देने चली गई। लेकिन फिर असिस्टेंट ने आकर कहा कि बालथाजार पहले ही रजिस्टर हो रहा है। एलिस का दोस्त आया और बालथाजार को मेकअप के बीच में पाया। इसने बालथाजार को बताया कि एलिस इसे सिर्फ मशहूरी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हकीकत जानने के बाद बालथाजार ने इसे नहीं दिखाया। वो हमेशा की तरह शॉटिंग पर आया, लेकिन शॉटिंग के दौरान वो फोटोग्राफर के गैर महज़ब रवैये पर इस कदर गुस्से में आ गए, वो चला गया। वो भी सीधा पानी में चला गया। एलिस ने इसका पीछा किया और मुआफ़ी मांगी। इस मौका पर बालथाजार ने एलिस पर इल्ज़ाम लगाया, सबके सामने खुद गर्ज होकर इसने इसे अपने करियर के लिए धोखा दिया। इस सूरत हाल में एलिस के पास कहने को कुछ नहीं है। घोटाले की वजह से बास ने इसे नौकरी से भी निकाल दिया।
एक दिन इसे अचानक बलात्कार का खोया हुआ पाया जूते। वो देर तक खामोशी से जूतों को देखती रही। जब इसकी बेटी ने इसे पीछे से पुकारा तो इसने रदअमल जाहिर किया। इसे एहसास हुआ कि इसे बलात्कार से शदीद मोहब्बत हो गई है। चुनाचे इसने अपने हौस को एक तरफ रखते हुए अपनी मोहब्बत का पीछा करने का फैसला किया। एलिस को इसके हम जमातों ने बलात्कार की क्लास में हिदायत की थी। एलिस ने खुलेआम बलात्कार से अपनी मोहब्बत का ऐलान किया। जब बलात्कार इनसे इनके मुस्तकबिल के बारे में सवाल करता है तो एलिस इसे अपनी मर्जी से चूमती है। क्या ये मोहब्बत नहीं है? अगर आप मोहब्बत में हैं, तो दुनिया को जाने ना दें। बस निडर।